क्वेश्चन नंबर 21 करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, फिर ये क्वेश्चन आप बाद में पढ़िएगा। मैं आपको बात ये बताना चाहता हूँ कि देखिए बच्चों, कोई वाटर का सैंपल आपने देखा, ठीक है, ये मान लीजिए वाटर का सैंपल है। अब तो ये पिंक बॉटल है, बहरहाल तो ये वाटर का सैंपल है, दो ग्लास में रखा हुआ है या दो फ्लास्क हमने ले लिए हैं उसमें रखा हुआ है। तो ध्यान से चेक करिए, देखिए ये सैंपल ए है और ये सैंपल बी है। हमको लैब में हमारे टीचर ने दो सैंपल दिए वाटर के, बोला ये ए है और ये बी है, ठीक। अब देखने में एक जैसा लग रहा था, तो टीचर ने आपसे बोला कि भाई देखो बताओ कौन सा प्योर है कौन सा इम्प्योर है, ठीक है। तो बच्चे बोलेंगे दोनों तो देखने में यार प्योर लग रहा है। तो आपकी निगाहों में जो प्योर है, मतलब देखने में एकदम क्रिस्टल क्लियर लग रहा है, एकदम जैसे वाटर होता है भाई ग्लास फ्लास में लेके देखो, तो बोलेंगे अरे ये भी प्योर है ये भी प्योर है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि देखिए, अगर मान लीजिए वाटर के किसी सैंपल में कोई सॉल्ट मिला है, ठीक है, कोई सॉल्ट जैसे मैग्नीशियम का कोई सॉल्ट हो सकता है, कैल्शियम का कोई सॉल्ट हो सकता है, ठीक है, तो शायद कलर ना आए। जैसे कि देखिए कॉपर सल्फेट अगर मैं लूँ, कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट होता है, तो कॉपर सल्फेट को अगर मैं पानी में डालूँ तो ब्लू कलर आ जाता है, लेकिन कभी कभी कलर नहीं आता है किसी सॉल्ट को मिक्स करने से वाटर में, ठीक है। तो सोचिए मान लीजिए अगर ऐसा कोई सॉल्ट इसमें मिक्स हो कि कलर ना आए, ठीक है, तो क्या वहाँ पर सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो आयन्स होंगे, सॉल्ट के आयन्स होते हैं वो उसमें घूमते रहते हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में। अभी सुनो, इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो आपको दिखेंगे तो नहीं बाहर से, तो ये भी आप एकदम आपको प्योर लगेगा, ये भी एकदम क्रिस्टल क्लियर लगेगा, तो आप क्या करोगे? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, समझो, हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी बच्चों बताया है क्या कि अगर वाटर में कुछ और मिला है ना, तो केमिस्ट्री की भाषा में हम बोलेंगे कि वाटर प्योर नहीं है, वाटर क्या है, इम्प्योर है। बात समझ कि नहीं है? ये बात हमें कैसे पता चलती है? तो सुनो, ऐसे पता चलती है कि जो प्योर वाटर होगा बच्चों, जो प्योर वाटर होगा, मान लीजिए ए में क्या है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर का मतलब इसमें कोई भी सॉल्ट वॉल्ट कुछ भी मिक्स नहीं है, तो जो प्योर वाटर है, ओके, उसका बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये सभी बच्चों को पता होगा। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है FP, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड बन जाएगा, वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 1 atm पे होता है। प्रेशर भी मेंशन करना बहुत जरूरी है, एट 1 atm, 1 atm प्रेशर पे प्योर वाटर का जो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट होता है आपका प्योर वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। 1 atm प्रेशर पे अगर आप प्रेशर चेंज कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पे, प्रेशर पे, क्योंकि बॉइल क्यों करता है बताओ? देखो बॉइल इस तरीके से करता है कि सरफेस से पार्टिकल निकल कहां जाते हैं, ऊपर, और सोचो अगर ऊपर से ज्यादा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा है, या आपने किसी मशीन से एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया है ऊपर, ठीक है, जैसे वैक्यूम क्रिएट करते हो किसी वैक्यूम पंप से, वैसे किसी मशीन से आप बाहर से अगर एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ा दो, 1 atm से ज्यादा प्रेशर कर दो, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वाटर के सरफेस से पार्टिकल निकल के ऊपर जाने लगते हैं तो हम बोलते हैं भाई बॉयल होने लगा। यही बात है, यानी कि ये वाटर के सरफेस से पार्टिकल ऊपर क्यों जा रहे हैं स्टूडेंट्स? तो जवाब ये है कि आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो वाटर के सरफेस से ये पार्टिकल ऊपर जाता होगा, तो इसको इमेजिन करो, इस प्रेशर को काउंटर करना होता है ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन लगा रहा है बताओ? एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स जो है वो प्रेशर लगा के रख रहे हैं। तो सोचो इन पार्टिकल्स को जब वो क्या करेगा, ओवरकम करेगा इसके फोर्स को, तो ऐसा ठक से मार के ऊपर निकल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा प्रेशर लगा दूं तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इसको मार के निकलने के लिए, और ज्यादा एनर्जी का मतलब ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ज्यादा हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर इसका राइज हो जाएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात आपको पता चल गई, ठीक है। तो इसलिए बच्चों प्रेशर मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो जनरली हम लोग जो ऐसे रहते हैं आजकल हमारी लैब में, जब हम काम करते हैं तो प्रेशर कितना होता है, 1 atm। इसलिए हमने मेंशन कर दिया कि भाई 1 atm पे जो प्योर वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और फ्रीजिंग पॉइंट होता है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात तो आपको पता है। अब आपको पता होगा बच्चों, चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको बताया था क्या कि अगर वाटर इंप्योर हो जाए, इंप्योर का मतलब कोई सॉल्ट मिल जाए, मिट्टी मिल जाए, चलो मिट्टी मिला दो, लेकिन मिट्टी मिलाओगे तब तो साफ साफ नजर आएगा बाहर से कि हाँ भाई ये तो क्लियर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इंप्योर है। लेकिन आपको कोई ऐसा सॉल्ट मिलाया है कि वो देखने में वाटर जैसा ही लग रहा है, तो सुनो मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। दो बातों का हम यूज करते हैं, क्या डिप्रेशन, जब भी क्या होगा, इंप्योर वाटर होगा, क्या होगा, इम्प्योर वाटर होगा। तो दो बातें होती है बच्चों, क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन, अब ये क्या बात है सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये बात है, एलिवेशन का मतलब बढ़ जाना, वो इम्प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा 101 डिग्री सेल्सियस,
प्रेशर वही रखो, 1 ATM ही रखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, प्रेशर वही है, 1 ATM प्रेशर पे इम्प्योर वाटर बच्चों शायद 101 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करें या 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करें, ये डिपेंड करता है कि किस हिसाब की इम्प्योरिटी उसमें मिलाई गई है। मोटी मोटी बात यह है कि अगर इम्प्योरिटी उसमें होगी, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के अलावा किसी और टाइप के मॉलिक्यूल्स या आयंस उसमें प्रेजेंट होंगे, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है जब वाटर कैसा होता है, इम्प्योर सैंपल होता है वाटर का, ओके। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब यह है कि अगर प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहा था स्टूडेंट्स, तो आपका जो इम्प्योर वाटर वो जीरो पे नहीं करेगा, जीरो से कम नंबर लाइन के बारे में आपने पढ़ा है ना, जीरो से कम क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी कि -1 डिग्री सेल्सियस या -0.5 डिग्री सेल्सियस या -2 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बात है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, जवाब आपके सामने आपको मिल जाएगा। देखते हैं, कह रहा है यू आर गिवन 2 samples ऑफ वाटर लेबल्ड ए एंड बी, तो 2 sample दिए उन्होंने ए और बी। कह रहा है ए बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ए बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ए को बॉयल किया वो 100, भाई थर्मामीटर लगा के बॉयल करो ना, थर्मामीटर में रीडिंग देखो, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉयल होने लगता है, और बी में थर्मामीटर लगाओ तो सैंपल बी बॉयल्स एट 102, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल और ये होता है 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल। आगे जरूर इनको हमको क्या देना चाहिए, इनको हमको प्रेशर देना चाहिए, ओके। तो प्रेशर नहीं दिया हुआ है, 1 ATM देना चाहिए था बच्चों, एट 1 ATM कर लीजिए, एट 1 ATM देना चाहिए, दिया है पता नहीं क्यों नहीं। कह रहा विच सैंपल ऑफ द वाटर विल नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, कौन सा सैंपल 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा, तो सुनो वो नहीं होगा जो इम्प्योर होगा, और इम्प्योर वो होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया होगा, तो चेक करो इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है 1 ATM पे, सैंपल बी का, तो इसका मतलब सैंपल बी विल नॉट फ्रीज, जब वो बॉइल नहीं कर रहा है 100 पे तो वो फ्रीज क्या करेगा 0 पे, क्योंकि जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है 2 डिग्री का एलिवेशन है, चेक करो प्योर वाटर 100 पे होता है ये 102 पे, तो 2 डिग्री का एलिवेशन मिल गया इसको, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 ना होकर 0 से कम होगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो फ्रीज ये नहीं करेगा, पक्की बात है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बात है, तो इन्होंने यही हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या, विच सैंपल ऑफ वाटर विल नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, कमेंट हमको करना है। तो हमने आंसर क्या लिखा, हमने लिखा सैंपल बिल सैंपल बी, बी वाला जो सैंपल है विल नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, रीजन भी देंगे, क्या रीजन देंगे, बिकॉज इट इज नॉट प्योर, पता चल गया हमको ये प्योर नहीं है, क्यों नहीं प्योर है भाई, आपने देखा इसका बॉइलिंग पॉइंट ही चेंज हो गया, तो ये प्योर वाटर नहीं है, इसका मतलब इसमें जरूर कोई सॉल्ट मिला हुआ है, देखने में तो प्योर लग रहा है बट प्योर है नहीं। फिर हम आगे लिखेंगे एट 1 ATM, देखिए मेंशन कर दिया हमने, एट 1 ATM 1 atmospheric प्रेशर पे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ये हम बता देंगे उसको, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज व्हाट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था वही तो प्योर था, तो ये प्योर था तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 होगा, यानी कि ये फ्रीज करेगा 0 पे तो ये नहीं करेगा, कोई डाउट है बताइए, हाँ। तो ये बच्चों आप नोट कर सकते हो, और ये मैंने आपको काफ़ी हद तक समझा दिया है, ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए।